खमंगणी देवी सजनों मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं फॉर्च्यूनर, मतलब ये गाड़ी देखने में इतनी प्रीमियम और इतनी बल्कि लगती है जिसको हद नहीं है। इस गाड़ी ने इंडियन मार्केट में सब जो 4x4 और एक असली SUV है उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो इस गाड़ी की है। तो कुछ इस तरीके से अपने को ये गाड़ी है वो देखने के मिल जाती है। और इस गाड़ी की अगर फ्रंट से विड्थ की बात करें तो ये आपको मिलेगी 1855 mm की इसकी विड्थ है वो मिल जाती है, मतलब अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसकी विड्थ है वो आपको मिलती है। ज़्यादा विड्थ होने का ये भी फायदा होता है कि अंदर आपको अच्छी खासी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 225 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको गाड़ी के अंदर मिलती है, जो आपको ऑफ रोडिंग वगैरह में या फिर आप उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते हैं तो मतलब आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट मिल जाती है तो आपको अच्छी खासी ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। फ्रंट की प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलती है। फ्रंट में आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं जिसमें आपको LED है, जो हेडलैम्प है उसका पूरा सेटअप है वो आपकी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। नीचे की तरफ आप फॉग लैम्प की बात करें तो वो भी आपको पूरी LED सेटअप में मिलता है, मतलब इसकी लाइटों का जो सेटअप है पूरी तरीके से LED मिलता है। सेंटर में आते हैं तो काफ़ी प्रीमियम इसका जो टोयोटा का लोगो वो मिलता है और उसी के ऊपर आपको जो फॉर्च्यूनर है उसकी बैजिंग मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी फ्रंट से दिखती है जो अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और रगड़ महसूस कराती है, क्योंकि गाड़ी होती है रगड़ तो आपको काफ़ी मिल जाती है बोलेरो जैसी, पर प्रीमियमनेस है वो इसी गाड़ी के अंदर है तभी इस गाड़ी की सेलिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो करीबन 4795 mm, मतलब 4800 mm के करीब इसकी विड्थ मिलती है, जो आप जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है और आपको जो थर्ड रो है उसमें भी आपको अच्छा खासा स्पेस वगैरह वो मिल जाता है। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी के टायर वो मिल जाते हैं आपको, इस गाड़ी के अंदर 18 इंच के टायर मिल जाते हैं और टायर सेक्शन की बात करें 265/60R18 के, मतलब 18 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं जो काफ़ी प्रीमियम भी लगते हैं और उसके साथ में काफ़ी अच्छे ब्रांड के टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, उसी के साथ में आपको एक काफ़ी हैवी फुट स्टेप है वो मिल जाता है और साइड व्यू मिरर वो आपको कुछ इस तरीके से बॉडी कलर में मिलते हैं और उसी के साथ में इंडिकेटर है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर ही मिल जाता है। वही बात करें डोर हैंडल के, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलेगा और इसी के अंदर आपको जो रिवर्स सेंसर है वो मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो मिलता है। पीछे के टेल लाइट की बात करें तो पूरी तरीके से आपको जो LED सेटअप है वो मिल जाता है, उसी के साथ में सिग्मा 4 की बैजिंग मिल जाती है। ऊपर की आप तरफ आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, उसके नीचे का आप डिफोगर मिल जाता है, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स सेंसर है वो भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अब इस गाड़ी का एक बार टेल गेट आपको खोल के दिखाता हूँ, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक टेल गेट है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो एक बार आपको इसका जो टेल गेट है वो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जो पीछे का बटन है वो आपको एक बार इसको दबाना होता है, जिसके बाद में ये टेल गेट खुल जाता है और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, इसमें आपको हाथ से नहीं खोलना पड़ता है। एक बार आप बटन इसका स्विच करो अपने आप ये टेल गेट ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको जो बटन है वो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करेगा तो 296 लीटर या आप ये कह सकते हैं कि 300 लीटर का बूट स्पेस है वो मिलता है आपको, जो अच्छा खासा बूट स्पेस है वो मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर की तरफ, उससे पहले एक बार आपको इसका जो टेल गेट है वो एक बार बटन से हम बंद करते हैं। उससे पहले आपको दिखा दूँ पीछे की तरफ आपको सब बूफर मिलता है, तो वह इसका टेल गेट बंद करते हैं। जैसे इसका बटन दबाते हैं तो आपको जिसका टेल गेट है वो इलेक्ट्रिक अपने आप बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने आप ये बंद हो जाता है, नीचे जाके ये ऑटोमेटिक तरीके से लॉक हो जाएगा। अब ये जो इसका टेल गेट है वो लॉक भी हो गया। तो गाइस अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको कुछ इस तरीके से इसका हैंडल मिलेगा, उसमें हम आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा और उसी के साथ में आपको चार्जिंग का पॉइंट जो की पॉइंट है वो भी आपको यहाँ मिलेगा, चाबी से आप इसको खोल सकते हैं। तो एक बार इस अंदर जाने से पहले इसको चाबी दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से इसको आपको इसकी चाबी मिलती है, इसमें लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, उसके साथ में आपको जो पीछे का जो टेल गेट है उसको भी खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे आराम से इसको दबा के रखना है और ये अपने आप इलेक्ट्रिक ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी चाबी मिलती है और पीछे की तरफ जो फॉर्च्यूनर है उसकी बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे जो फॉर्च्यूनर है उसकी फोटो भी मिल जाती है, मतलब चाबी वगैरह काफ़ी प्रीमियम मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के डोर हैंडल पर, डोर हैंडल पर जैसे अपन आते हैं तो आपको यहाँ पे JBL के ट्विटर मिल जाते हैं, जो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम साउंड क्वालिटी है वो मिल जाती है और उसी के साथ में गाड़ी के अंदर और जो इसका जो हैंड रेस्ट है वो आपको सॉफ्ट टच में मिलता है, जो भी आप इस गाड़ी को प्रीमियम बनाता है और उसी के साथ में नीचे की तरफ
बोतल होल्डर, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे और उसी के साथ में यहाँ पे वन टच में इसके पावर विंडो मिल जाएगी। चारों पावर विंडो वन टच में अप और वन टच में डाउन है, उसको ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो इसका साइड व्यू मिरर है उसके एडजस्टमेंट वगैरह के इसमें बटन वगैरह वो मिलते हैं। अब आते हैं इसके सीट की तरफ, तो सीटें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको 8-way एडजस्टेबल सीट है वो मिल जाती है। तो अब चलते पर गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर चलने से पहले आपको ये फुट स्टे मिल जाएगा, आप इसमें आराम से पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप आराम से, इस गाड़ी का जो हैंडल है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जिसे आप पकड़े आराम से अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो जैसे अपन गाड़ी के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो मिलता है। अब आते हैं इसके हैंडल के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका स्टेयरिंग मिल जाएगा। आप जो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच भी मिलेगा और थोड़ा सा इसमें प्रीमियम डैश है वो भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। और कुछ इस तरीके से आपको जो इसका क्लस्टर मीटर है वो मिल जाता है, लेफ्ट में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है और राइट में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। और सेंटर में आपको जो इसकी छोटी सी स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन, वो मिल जाएगी, जिसमें आपको ट्रिप से रिलेटेड या फिर ये कहें कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एवरेज वगैरह सब कुछ इसमें शो करेगा। तो कुछ इस तरीके इससे आप इसका जो क्लस्टर मीटर है वो मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करें तो राइट में आपको जो क्रूज राइट में आपको बटन्स वगैरह मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल से लेके, या फिर इसके जो क्लस्टर मीटर है उसके बटन्स है वो आपको इस साइड में मिल जाते हैं। और इस साइड में आपके म्यूजिक से रिलेटेड सारे बटन्स है, या कॉल वगैरह अटेंड करने से काटने तक के आपको सारे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। सेंटर में आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे हॉर्न मिल जाएगा, और उसी हिसाब में काफ़ी प्रीमियम इसका जो टोयोटा का लोगो है वो भी आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको सॉफ्ट टच में और उसी के साथ में कुछ प्लास्टिक हार्ड टच में भी आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो मिलता है। और साइड में आपको एक स्पीकर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, और उसी के साथ में ट्विटर आपको मैंने बताई दिया। अब आते हैं स्टेयरिंग की बात करें तो आपको इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों के ऑप्शन आपको स्टेयरिंग के अंदर मिल जाते हैं। और उसी के साथ में आपको स्टेयरिंग में आपको ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो आपको जो पेडल शिफ्टर का ऑप्शन है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इसके लाइट की, तो आपको ऑटोमेटिक लाइटें मिल जाती है जो आपको ऑटो मोड पे भी डाल सकते हैं। और उसके साथ वाइपर की बात करें तो वाइपर आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। अब आते हैं इस गाड़ी के सेंटर में, सेंटर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन है वो मिल जाता है। इसमें एंड्रॉइड और ऑटो आपको वायर के साथ मिलते हैं, वायरलेस नहीं मिलते। और उसी के साथ नीचे की तरफ आते हैं तो 2 जोन में आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो दोनों सीटें अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकती है। और उसी के साथ में इसकी जो सीटें हैं वो भी आपको वेंटिलेटेड सीटें वो मिलती हैं। उसके नीचे की तरफ आपको एक जो इसका 4x4 का लीवर नहीं मिलता आपको, इसमें आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, तो आप इसके बटन के थ्रू इसका 4x4 और 4x2 आपको लगा सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो इसकी वेंटिलेटेड सीटें हैं उनके भी बटन्स वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ये USB चार्जिंग पॉइंट वो मिल जाएगा, उसी के साथ में जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएंगे और थोड़ा मोटा सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस वगैरह वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको 6 स्पीड का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स के बटन है वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड और इसका ऑटो स्टार्ट और स्टॉप वगैरह भी बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके हैंड रेस्ट की, तो हैंड रेस्ट वो भी आपको सॉफ्ट टच में मिलता है, और उसी के साथ में नीचे आपको स्पेस वगैरह वो मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको 2 स्पीकर मिल जाएंगे, वहीं आपको जो साइड ग्लास के पास में आपको 2 ट्विटर मिल जाते हैं, और वहीं डोर में भी आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं। इस गाड़ी में टोटल 11 स्पीकर का पूरा सेटअप है, जिनमें आपको एक एम्पलीफायर मिलता है और उसी के साथ में एक आपको सबवूफर मिलता है। तो मतलब एक JBL का पूरा अच्छा 11 स्पीकर का पूरा सेटअप मिलता है, जो आपको इसके साउंड क्वालिटी वगैरह वो आपको काफ़ी प्रीमियम मिल जाती है। और उसी के साथ में IRVM है, वो आपको मैनुअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक एडजस्ट करने का ऑप्शन है। आपको ऑटो मोड पर डालने बाद ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। उसी के ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे रूफ लाइट मिल जाती है, और रूफ लाइट आपको पीछे के सीट पे भी मिलती है, तो कुछ इस तरीके से आपकी रूफ लाइट मिलती है। और वहीं आपको सनवाइजर की बात करें तो सनवाइजर आपको दोनों तरफ मिल जाता है, और उसी के साथ में वैनिटी मिरर भी मिल जाता है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में भी आपको वैनिटी मिरर, उसी के साथ में ऊपर की तरफ एक लाइट मिल जाती है। मतलब प्रीमियम वगैरह के साथ में आपको इसमें इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये एक तो 4x4 है, ये गाड़ी रगड़ भी है और उसी के साथ में प्रीमियम नेसी भी है। इसी वजह से इस गाड़ी की जो मतलब ये कैसे सेल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं या फिर जो उबड़ खाबड़ रस्तों में चलते हैं तो उस तरीके के लोग इसको ज़्यादा खरीदना प्रीफर करते हैं। और एक अच्छी क्लास के लोग या ये कहेंगे जिनका बजट भी अच्छा खासा होता है वो भी इसको खरीद सकते हैं। एवरेज की बात करें तो इसमें हाईवे पे आपको 9 से 10 का एवरेज है वो आपको आराम से मिल जाता है। अब चलते हैं पर गाड़ी में पीछे की तरफ,
जैसे हम गाड़ी में पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, और उसी के साथ में आपके डोर का लीवर होता है वो भी आपको क्रोम में मिल जाता है। पीछे की तरफ स्पेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको स्पेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ मैंने आपको लाइटें बताई दी, रूफ लाइट आती है वो भी LED में आती है, और उसी के साथ में आपको AC कंट्रोल के बटन से वो आपको रूफ लाइट के साथ मिलते हैं, और आपको 2 AC के पॉइंट वो आपको जो बीच वाली मिड रो है उसमें मिल जाते हैं, और 2 ही AC वेंट है वो आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका जो बीच की रो वो आपको मिल जाती है। बीच में एक छोटा सा हैंप है, वो ज़्यादा हैंप नहीं है, मतलब छोटा मोटा है, काम चलाने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और 2 स्पीकर आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं, टोटल 11 स्पीकर का पूरा एक सेटअप मिल जाता है। अब पीछे की सीट की बात करें तो आपको 1 टच टंबल के साथ ये सीट फोल्ड हो जाती है। जैसे आप इसका बटन दबाते हैं तो आप आराम से इस गाड़ी में यहाँ से आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी आपको स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा स्पेस है वो आपको मिल जाता है। ये देखिए, आप पीछे की तरफ भी 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, एक छोटे मोटे राइड है उस पर आप आराम से जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको AC वेंट मिल जाते हैं, और उसी के साथ में सीट बेल्ट वगैरह वो भी आपको मिल जाते हैं। पीछे सीट के भी लिए भी सीट बेल्ट मिलेंगे, मतलब प्रीमियम वगैरह इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का रिव्यू रहने वाला है। एक बार आपको जाके एक बार आगे की तरफ भी चलते हैं और आपको गाड़ी एक बार सामने से भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने अपने का जो इसका अंदर का इंटीरियर वगैरह वो अपने को देखने मिलता है, और साइड फ्रंट से बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको ये गाड़ी मिलती है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या इस गाड़ी की बुकिंग वगैरह की या टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप ओम राजेश टोयोटा पे आ सकते हैं। इसका शोरूम की बात करूँ तो आप ये शोरूम टोंक रोड पे मिलता है, टोंक रोड जयपुर पे, और इसके नंबर्स वगैरह है वो भी आपको मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी इस गाड़ी के जो इस शोरूम के नंबर है वो शो कर रहे होंगे। तो आप जब भी आए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपनी राइड वगैरह वो बुक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह, और उसी के साथ में बुकिंग वगैरह भी फाइनल कर सकते हैं। और भी आपको नॉलेज वगैरह लेनी है या किसी गाड़ी के बारे में पूछना है तो आप आराम से यहाँ पे आए और कॉल करके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।